Hello children, you are welcome back to the YouTube channel of City Head Public School Varanasi. It is your second part of science chapter 5th and class 3rd. Okay, so let us start. The claws of bird, the claws of birds. जो पंजे होते हैं जिसकी वजह से वो पकड़ता है पेड़ को, यहाँ बैठता है, नीचे बैठता, जो भी हैं जो पंजे होते हैं उसे क्लॉज ऑफ बर्ड यानी कि पक्षियों के पंजों के बारे में बताया जाएगा. जस्ट लाइक बीक द क्लॉज ऑफ बर्ड टू आर डिफरेंट. जैसे कि बीक में यानी चोंच में बताया गया है, उसी तरीके द क्लॉज ऑफ बर्ड जो पंजे हैं, क्ला हैं बर्ड्स के, वो भी अलग होते हैं. द क्लाज आर सेव्ड अकॉर्डिंग टू द लिविंग हैबिट ऑफ द बर्ड. जो क्लाज का जो शेप है, बनावट है, वो उसकी लिविंग हैबिट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि वो कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, उसके हिसाब से उसके जो क्लाज हैं वो चेंज होते रहते हैं. दीज हेल्प द बर्ड टू वॉक एंड हंट. जिसकी और क्लाज की मदद से वो बर्ड हंट भी करता है और वॉक भी करता है, यानी कि शिकार भी करता है और चलता भी है. नंबर एक, बर्ड्स व्हिच सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. प्रायोरिटी है कि पक्षी उड़ता हुआ किसी पेड़ पर बैठ जाता है. देखा होगा आप लोगों ने, द बर्ड सच ए क्रा, द बर्ड सच एज क्रा, मैना, पिजन, स्पैरो, etc. ये सब जो पक्षी हैं सीट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, पेड़ों की शाखाओं पर बैठते हैं. देयर क्लॉज आर लॉन्ग एंड थिन. इनके क्लॉज जो हैं, इनके पंजे जो हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं. इन द क्लॉज थ्री टूज आर इन फ्रंट एंड वन इज एट द बैक टू ग्रिप द ब्रांच. इन द क्लॉज जो इनमें पंजे होते हैं, थ्री टूज यानी तीन उंगलियां होती हैं, आर इन फ्रंट यानी सामने की ओर तीन उंगलियां होती हैं, एंड वन और जो एक है इज एट द बैक और ये एक पीछे होती है, ठीक है, टू ग्रिप द ब्रांच, ब्रांच को मजबूती से पकड़ने के लिए. आगे तीन पीछे एक, जैसे आप लोग पकड़ते हैं तो चार उंगलियां आगे हो जाती हैं, किसी रॉड को पकड़ते हैं अंगूठा पीछे हो जाता है, जैसे आप मजबूती से पकड़ लेते हैं. सेम टाइप इसी प्रकार से पक्षी भी, उनके थ्री उंगलियां आगे हो जाती हैं और पीछे हो जाती है एक टोज, और उससे वो अच्छे से अच्छी पकड़ बना लेते हैं. दिस वे दीज बर्ड डू नॉट फॉल डाउन. जिसकी वजह से पक्षी जो है, बर्ड जो है, वो गिरता नहीं है. एंड कैन इजली स्लीप, और वो आसानी से उस पर सो सकता है. कहाँ पर? ऑन द ब्रांचेज. कहाँ पर? शाखाओं पर, डालों पर सो सकता है एज वेल, अच्छे से, ठीक है. फिर आता है बर्ड्स व्हिच क्लाइंब ऑन ट्रीज. फिर आता है कि बर्ड्स, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ों पे अपने पंजों से चढ़ते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है. बर्ड सच इज पैरट एंड वुड पिकर क्लाइंब ऑन द ट्रीज. ऐसे बर्ड जैसे कि आपका पैरट है, बहुत आप लोगों को पसंद होगा, ठीक है ना, ग्रीन कलर का पैरट यानी तोता, आप लोग जानते हैं. एंड वुड पिकर, वुड पिकर का मतलब होता है जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, जो ट्री के स्टेम में छेद करता है उसे वुड पिकर बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कठपुड़वा. क्लाइंब ऑन द ट्री, वो भी पेड़ पर चढ़ता है. In their feet, they have two toes in front and two at the back. इन पक्षियों में दो toes यानी दो उंगलियां आगे होती हैं और दो उंगलियां पीछे हो जाती. This way, और इस प्रकार से they can easily climb the trees. और ये बहुत आसानी से इस प्रकार वो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं. नंबर थ्री पे आता है claws of carnivores. जो पंजे हैं कार्निवोरस यानी कि जो मांसाहारी बर्ड्स होते हैं, जो मांसाहारी पक्षी हैं, उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं. द क्लॉज ऑफ कार्निवोरस
birds such as eagle, owl, vulture and hawk, etc. are sharp, strong and turned inside. जितने भी कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं उनके पंजे, उनके क्लॉज बहुत मजबूत होते हैं, बहुत तेज होते हैं एंड टर्न इनसाइड और अंदर की ओर मुड़े होते हैं. ठीक है, क्यों मुड़े होते हैं? दीज हेल्प, इनकी मदद से टू कैच एंड ग्रिप देयर प्रे, जिसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, आसानी से शिकार को कैच कर सकते हैं या मजबूती से पकड़ सकते हैं. नंबर चार पे आता है, नंबर फोर पे आता है, बर्ड्स हुच स्क्रैच द, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जमीन को खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, उसमें अपना शिकार ढूंढते हैं. लाइक दैट हेन एंड कॉक्स, मुर्गी एंड मुर्गे, हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज, इनके बहुत तेज और मजबूत क्लॉज होते हैं, यानी पंजे होते हैं. दीज क्लॉज आर यूज्ड टू स्क्रैच द ग्राउंड टू गेट आउट सीड एंड इंसेक्ट, ये अपने पंजों से स्क्रैच करते हैं, खुरदते हैं ग्राउंड को टू गेट आउट, और निकाल लेते हैं सीड्स, उसमें छुपा हुआ बीज या इंसेक्ट, कुछ भी जो भी उनके खाने लायक होता है उसमें ढूंढ लेते हैं. इन देयर क्लॉज, अपने पंजों से, देयर आर थ्री, इनके पंजों में क्या होता है, देयर आर थ्री टोज, इनके तीन टो हैं इन द फ्रंट, यानी सामने की ओर होते हैं, एंड वन, और एक जो है इज एट द बैक, ये पीछे साइड की ओर होता है. ठीक है, और नंबर फिफ्थ आता है आपका क्लॉज ऑफ वाटर बर्ड्स, उन पक्षियों के, उन बर्ड्स के क्लॉज जो बर्ड्स पानी में पाए जाते हैं. ठीक है, वाटर बर्ड्स हैव थ्री टोज इन द फ्रंट एंड वन एट द बैक, जो भी पानी में रहने वाले पक्षी हैं उनके क्लॉज में, यानी पैर में, उनके सामने की ओर तीन टोज यानी तीन उंगलियां होती हैं और एक पीछे की होती है, यानी एक पीछे की ओर होती है. द टोज एट द फ्रंट हैव थिन, जो टोज एट द फ्रंट, जो सामने की ओर टोज होते हैं, जो सामने की ओर उंगलियां होती हैं, हैव द थिन बेब व्हिच हेल्प द बर्ड टू पुश द वाटर बैकवर्ड व्हाइल स्विमिंग, आगे की जो होती हैं तीन उंगलियां वो बेब यानी कि एक में जुड़ी होती हैं, ठीक, एक लेयर से, जिस व्हिच हेल्प द बर्ड, जिसकी मदद से पक्षी टू पुश द वाटर, पानी को ढकेलता है बैकवर्ड, पीछे की ओर, व्हाइल स्विमिंग, जब वो तैर रहा होता है. ठीक है, द फीट ऑफ ए डक, फीट ऑफ ए डक, जो डक का पैर है, एंड स्वान यानी कि हंस का, आर ऑफ द टाइप, इस प्रकार के होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. ओके ओके, क्रेन, हेरॉन एंड किंगफिशर वॉक इन वाटर, ये भी पक्षी जो है, जैसे क्रेन है और हेरॉन है, किंगफिशर है, ठीक है, ये भी पानी में तैरते हैं. ठीक है, पता है, देयर लेग्स आर थिन एंड लॉन्ग, इनके जो पैर होते हैं ये पतले होते हैं और लंबे होते हैं. द टोज ऑफ दीज बर्ड आर स्प्रेड अराउंड व्हिच प्रिवेंट देम, इनके जो टोज होते हैं यानी कि जिनकी उंगलियां होती हैं, दीज बर्ड, इन पक्षियों की, आर स्प्रेड यानी कि ये फैली हुई होती हैं, अराउंड व्हिच प्रिवेंट, मतलब इस फैली होती हैं चारों तरफ, व्हिच प्रिवेंट, जिसकी वजह से ये सुरक्षित करती हैं देम उनको फ्रॉम गेटिंग स्टक इन द मड, जिसकी वजह से ये मड में चिपक करके पक्षी को सुरक्षित करती हैं. देयर क्लॉज आल्सो हेल्प देम, और उनके जो क्लॉज यानी टोज हैं, यानी कि जो उनके पैर हैं, उंगलियां हैं, वो सब उनको मदद करती हैं स्टैंड इन द शैलो वाटर, जो पानी होता है छिछला, थोड़ा कम पानी जहाँ पे होता है उसे कहते हैं शैलो वाटर, जहाँ पर फिसला होता है पानी वहाँ पर खड़े रहने में उसकी मदद करती है. नंबर सिक्स पे आता है क्लॉज ऑफ रनिंग बर्ड, रनिंग बर्ड, वो बर्ड जो रन करते हैं, जो दौड़ते हैं, उनके क्लॉज कैसे होते हैं. रनिंग बर्ड हैव लॉन्ग एंड स्ट्रांग लेग, रनिंग बर्ड जितने भी होते हैं उनके लंबे और मजबूत लेग्स होते हैं. दे हैव टू टोज इन द फ्रंट, उनके दो टोज फ्रंट में होते हैं. देयर क्लॉज आर हैवी एंड पैडेड,
इनके जो क्लाज होते हैं, पंजे होते हैं, वो हैवी यानी बड़े होते हैं, पैडेड यानी गद्देदार होते हैं। कुछ हेल्प देम, जिसकी मदद से वॉक ऑन सैंड या बालू पर भी चल सकते हैं। वन सच टाइप ऑफ बर्ड इज ऑस्ट्रिच, और इनमें से एक बर्ड है जिसे हम ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। ओके, हमें लगता है कि आप लोगों के समझ आ गया होगा, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें अपनी बुक में और वीडियो में समझने की कोशिश करें। अगर हाथ पर कुछ छूट रहा है तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करें, एक सेंटेंस को दो बार समझें, जब तक समझ ना आए आगे ना बढ़ें। ठीक है, बार बार पढ़ें, समझें और समझने की कोशिश करते रहें, और जब आपकी समझ में आ जाए तो उसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी टिक करने वाले क्वेश्चन हैं, उसमें जो भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, पहले क्वेश्चन को कम से कम दो बार जरूर पढ़ें, हो सके तो तीन बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें, जो भी सही लगे उसे पेंसिल से टिक आउट करें। जहाँ तक कि आंसर लॉन्ग टाइप के हैं उनको आप रफ पर करें। ठीक है, कोशिश करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।